आज मैं सेमी पुलाव की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी, तो आइए सेमी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें अदरक डाल देंगे। इसमें तेज पत्ता भी डाल देंगे। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें एक प्याज डाल देंगे। अब इसमें रोस्टेड पीनट डाल देंगे। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें एक टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इसमें नमक भी डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मटर डाल देंगे। हमने एक चौथाई कप मटर लिया है। अब इसमें एक आलू डाल देंगे जिसको हमने पतले टुकड़ों में काट लिया है, मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे। अब सब्जियों को नरम होने तक पकने देंगे। अब सब्जियों को चेक कर लेते हैं। सब्जियां नरम हो गई है। अब इसमें एक कप सेवैयां डाल देंगे। मैंने यहाँ रोस्टेड सेवैयां ली हैं। हमने एक कप सेवैयां ली है तो हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, सेवियां चेक कर लेंगे। अब इनको थोड़ी देर और पका लेंगे। सेवियां बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। अब इनको सर्व करेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी सेमी पुलाव बनकर तैयार हैं। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।